भारत के आजादी दिहाड़े मौके अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टेट के लोंग आइलैंड भारतीय भाईचारे वालों एक खास प्रोग्राम उलीकिया गया जिस विच कोरोना महामारी नूं मुख रख के एक कार परेड का आयोजन किया गया। इस विच 100 तो वध कारां ने भाग लिया। पेश है मनीष ब्याला की एक खास रिपोर्ट। खास तौर पर न्यूयॉर्क के हिक्सविल अज 74वीं इंडिया डे परेड जी हैगी है 74वीं वरेगंढ के मौके वो शुरू कर दी गई है। तुसीं वेख सकते हो जिहड़ा कारां दा काफला है वह इस वेले चलना शुरू हो चुका है। तकरीबन कह सकते हैं कि 100 तो वध कारां जिहड़ियां ने वह लाइन के तरीके दे विच चलणगे क्योंकि कोविड-19 के करके इस बार वड्डा फंक्शन करन दी परमिशन नहीं मिली, पर फिर भी इस बार कोशिश की गई है कि दिन जिहड़ा वह खाली ना जान दिता जाए। तो एक यूनीक जिहड़ा ये तरीका लभ्या गया जिहदे विच इंडिया डे परेड जिहड़ी है उहनू कढ़िया जा रहा है। कारां दी ये परेड हैगी है, किसी भी कार तो बाहर जिहड़ा वह जाण दी आग्या नहीं हैगी। हुण तक जिहड़ी साडे को इनफॉर्मेशन हैगी है 100 तो वध कारां जिहड़ियां ने वह आ चुकियां होईयां ने, ते 100+ कारां जिहड़ियां ने वह एक जगह तो दूसरी जगह पूरे हिक्सविल दे विच जिहड़ा वह परेड करदियां जाणगियां। ये अपने आप च एक यूनीक इनीशिएटिव जिहड़ा इत्थे लिया गया। इधर तुसीं मेरे पिछे वेख सकते हो पुलिस डिपार्टमेंट वालों जिहड़ा एक्चुअली पुलिस वालों जिहड़ा एक कमांड पोस्ट हैगी है क्योंकि सेफ्टी जिहड़ी वह बिल्कुल वरती जा रही है। पिछे फायर ब्रिगेड की गड्डी जा रही है अते ये गड्डियां जिहड़ियां ने सब तो अगे चलणगियां। उस तो बाद जिहड़े इंडियनस हैगे ने इंडो अमेरिकनस हैगे ने वह अपनियां गड्डियां नूं लै के जिहड़ा काफले के रूप के विच वधणगे। छोटे छोटे बच्चे जिहड़े ने रोड साइड के उत्ते जिहड़े ने वह इंडियन ट्राईकलर फ्लैग जिहड़े ने लै के खड़े हुए ने, सिर्फ एक दूजे दी नूं उत्साहित किया जा रहा है ता जो ये अज का दिन जिहड़ा ये कोरोना वायरस के करके भावें वड्डा ईवेंट नहीं हैगा पर इस ईवेंट नूं यादगारी बनाउण दा हरेक उपराला जिहड़ा इत्थे किया जा रहा है। इस वेले हैगे ने मिस्टर दीपक बांसल, ये प्रेजिडेंट हैगे ने IAAC ते लंबे समय तो जिहड़ा इत्थे कम्यूनिटी के तौर पर काम कर रहे ने, कम्यूनिटी ने लीडर हैगे ने। दीपक जी बहुत बहुत स्वागत है चढ़दी कला दे। ओवरऑल किस तरह का लग रहा अज? सानू बड़ा माण है और साडी परेड बड़ी सक्सैसफुल गई है। असीं बड़ी मेहनत की इस परेड वास्ते ते एवरीबॉडी हेल्प अस आउट, सारे बंदयां ने सानू बड़ा सपोर्ट किया, कम्यूनिटी ने एडमिनिस्ट्रेशन ने, सो दैट वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैम। दीपक जी अपने आप कह सकते हैं कि जिते इंडिया दे विच बहुत वड्डे प्रोग्राम होए ने पर इंडिया तो बाद इको प्रोग्राम की गल हो रही है कि जिस तरह ये सारा ऑर्गेनाइज किया गया, की कहोगे इस बारे? हाँ जी, ये जो कोविड-19 करके किसी थान पर परेडा सारिया जिहड़ियां सी कैंसल सी, पर ये साड़ी पुलिस कमिश्नर राइडर जी की वजह के नाल ये सारा जिहड़ा साड़ी परेड हैगी है वह मुमकिन हो चुकी है। इस करके साड़ी सारी कम्यूनिटी वह उन्हां दा कमिश्नर राइडर जी का बड़ा तहे दिलों धन्यवाद करती है। थैंक यू। सही कहा आपने, जो उत्साह मुझे यहाँ जो ऊर्जा नज़र आ रही है ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस पैंडेमिक के माहौल में भी इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी इतने उत्साह के साथ भारत का 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। सो इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट सेटिस्फैक्शन टू मी एंड द एनर्जी एंड एंथुसियाज्म व्हिच हैज़ बीन शोन हियर, आई एम श्योर इट विल गो ए लॉन्ग वे इन फर्दर स्ट्रेंथनिंग द इंडिया US रिलेशनशिप। आई एप्रिशिएट ऑल द पीपल हु हैव कम हियर एंड जॉइंड अस इन दिस सेलिब्रेशन।
आई वुड लाइक टू विश देम ए वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जी थैंक यू चढ़दी कला, बड़ा बड़ा तुहाडा शुक्रिया अदा करदे हो। तुसी सानू जानदे हो LILC दी प्रेजिडेंट फाउंडर पिंकी जग्गी, अज इत्थे 74 इंडिपेंडेंस डे मनान आई है। अज असीं पटेल ब्रदर दे कोल हिक्सविल दे विच असीं अपना इंडिया दा 74 इंडिपेंडेंस डे मना, इह किन्नी खुशी दी गल हैगी है कि असीं इन्नी दूर रह के भी आज़ादी दा दिन मना रहे हां। इह आज़ादी मेरी नहीं तुहाडी नहीं, इह साडे सारे हिंदुस्तान दी हैगी है। अज मैनूं इन्नी खुशी है। ये तो मुझे मिनी भारत लग रहा है, पूरा भारत आ गया है, यू नो मोर देन 100 कार्स। इट्स अ यूनिक वे ऑफ सेलिब्रेटिंग अपना इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि कोरोना है, क्या करें, तो और कुछ नहीं कर सकते, तो दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट। आई थिंक इज यूनिक वे और सबको बहुत अच्छा भी लगेगा। मैं तो यहाँ एक घंटे से हूँ, इतना मज़ा आ रहा है, माहौल बड़ा फेस्टिव है, लोग इंडियन कपड़े परिवेश में आए हैं, मज़ा आ रहा है, लगता है हम भारत में हैं। शीतल देसाई जी साढ़े नाल है ना, डॉक्टर देसाई कह सकते हैं कि सिर तो लैके पैर तक तिरंगे दे रंग दे विच रंगे हुए ने। ये अपने आप च कह सकते हैं कि देशभक्ति है। किस तरह का लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, 74 ईयर्स जैसे लग रहा है कि आज ही हो रहा है। ओवरऑल जैसे वेदर भी आज बड़ा सपोर्टिव है और जिस तरीके से कम्युनिटी टुगेदर हुई है, तो उसको क्या मैसेज आ रहा है? कम्युनिटी इतनी डाइवर्स है यहाँ पर, इतने सारे इंडियन सारे इतने सारे बिजनेस ओनर्स हैं सारे, और सब लोग की बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो रहा है, पूरा यूनाइट होकर सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा इंडिया ही लग रहा है यहाँ पे। मेरे नाल मिस्टर तनेजा हैगे ने, कम्युनिटी लीडर ने, अते लोंगालैंड दे विच इन्हां नूं बड़े वधिया तरीके नाल जिहड़ा इत्थे हर कम्युनिटी दा नुमाइंदा जिहड़ा उह जाणदा है। तनेजा जी, देश तो बाद कह सकते हैं कि COVID-19 दे माहौल दे विच एड्डा वड्डा फंक्शन करना अपने आप च मायना रखदा है? बिल्कुल, डेफिनेटली। पता है कि एक साडा कम्युनिटी दा एक जज्बा, एक पैट्रियोटिज्म ते एक भाईचारे दा साडा एक और स्ट्रेंथ शो करता हैगा कि इंस्पाइट ऑफ ऑल दिस चैलेंजेस साड़ी कम्युनिटी एक तो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, ये सारी टीम जी खड़ी है, इन्हें सब ने वो बड़ा सहयोग दिता और मीडिया भी इस चीज़ नाल साड़े नाल जुड़े है ताकि ये मैसेज अगे पहुँचाया जा सके इंडियन इंडिपेंडेंस डे का। सो मेरे नाल इस वेले हैगे ने रागनी श्रीवास्तवा, लखनऊ तो हेल करते हैं, हुण अमेरिका दे विच ने, अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टेट दे विच इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये भारतीयों की पहचान हैगी है, दुनिया के किसी भी कोने दे जाइए राजनीति असी नहीं छड़ सकते। की इशूज के उत्ते तुसी जिहड़ा इलेक्शन लड़न जा रहे हो इस बार, की अपने अपनी कम्युनिटी? पहली बात तो सबको जी जय हिंद, मज़ा आ गया, व्हाट अ प्राउड डे फॉर ऑल ऑफ अस, राइट? और किस दिन मिले हैं हम, सो सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के लिए ऑब्वियसली आई एम रनिंग, एंड जैसे कि हम इंडियंस हैं, वी आर लाइक हार्ड वर्किंग कम्युनिटी, राइट? वी डिड सो गुड, and that's what I was going to say, that we must celebrate our achievements, our accomplishments as a community, right? mere naal is vel hege ne Jasbir Jai Singh ji, community leader hege ne, ate eh India Day parade de vich jis tarike ne inhanne apna role ada kita hai ode waste kise di cheez di dassan di lod nahi hegi, backbone rahe ne is parade de piche। Jasbir ji bahut bahut badhaiyan pehla is successful event waste। Thank you very much Manish ji, pehla da थैंक यू तुहाडा जो तुसी सानू कवरेज दिती और लाइव कवरेज दिती, सो काइंड ऑफ यू, और हमेशा तुसी साथ देंदे हो पूरी कम्युनिटी दा, ते मैं सब नू 74th इंडियाज इंडिपेंडेंस डे दीआं मुबारकां देना जी। मेरे नाल इस वेले मिस्टर मुकेश मोदी, ये प्रेजिडेंट हैगे ने इस बार दे IDP परेड दे, अते जिस तरीके नाल ईवेंट सक्सैसफुल होया, मिस्टर मोदी बहुत बहुत बधाइयां। सर जी, दिस इज इट्स अ यूनिक परेड, आई थिंक नो वन हैज डन दिस परेड, I think this is in the world first parade ever, car parade in 2020 is the biggest parade in the world, I can say that, because as far as I know there is no parade going on anywhere. We had more than 200 cars, every car had our Indian flag, and it was an amazing parade, and I would like to thank you all our media partners who has made this more hype, and also to all my IDP team who has worked really hard and put this together, and thank you. This is Mukesh Modi, IDP President, USA. Thank you. Mere naal is vele IDP parade de vich Grand Marshal Mr. Dr. Raj Biyani ji hege ne. Dr. Raj, bahut bahut swagat tuhanu. Thank you so much. It is my pleasure and honor to be Grand Marshal of this first ever car parade on India Independence Day in America. I think this is very unique and only parade in America, one of the largest parade. We are about 150 cars today here,
and everybody's the mood is excellent, jubilant, in spite of the all difficulties, COVID, social isolation. It was very well planned. So, mere naal is vele hage ne Mr. Joris Santos, candidate hage ne for NY03 ate keh sakde hain ki jitna sada itthe bhaichara hega ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਜੋਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਸਟਰ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? I'm great. Thank you so much for having me here and being a part of the 74th year of the India independence. It's a great pleasure to be here with the community and to see such a big turnout of people coming out for this great day. It's very relaxing for us because in the pandemic we are came out and we are celebrating our culture, and you guys are also participating in this event. So how are you feeling in the election days are coming? So what you are asking to our community now? Well, I just want to make sure that I get to learn and understand the community better, and I am able to understand the needs and the problems within the community that are underrepresented by our current congressman. And the only way to do it is to come out. Unfortunately, I had COVID early, so I don't feel as threatened by the virus, but it's still a big issue and people should take proper precautions as far as social distancing goes. But if you want to learn about the community, you have to come into the community. ਅੱਜ 74th ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਯਾ ਮੈਂ ਮੇਕਅਪ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ, ਆਮ ਅ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ, ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਲੈਗ ਬਣਾਇਆ। ਆਈ ਲਵ ਮਾਈ ਇੰਡੀਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਨਾ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇੰਜੋਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਡਰੈਸਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਲੱਗਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਕਲਰਫੁਲ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੇਫਟੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਏ ਯੂਨੀਕ ਪਰੇਡ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੇ ਭਾਅ ਜੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰੇਡ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਪਰੇਡ ਹੈ, ਇਟਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਨਿਊ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬੋਬੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਦਾ ਹੋਲ ਕਮੇਟੀ, ਜੇ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਮੁਕੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਦੀਪਕ ਬਾਂਸਲ ਅੰਡਰ ਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਇੰਦੂ ਜੈਸਵਾਲ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਵਨ ਹੂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟਡ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਮਾਲਕ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗਿਵ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟੂ ਐਵਰੀ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਆਈ ਡੀ ਪੀ ਯੂ ਐਸ ਏ। ਸਕਸੈਸ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਦੈਮ, ਮਾਈ ਸਲਿਊਟ ਟੂ ਦੈਮ ਫੋਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਮੈਂਬਰਿੰਗ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਓਲਡੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਟੂ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਐਂਡ ਦਾ ਟਾਊਨ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਆਲ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੂ ਹੈਡ ਜੁਆਇਨ ਅਸ ਵਨ ਆਫਟਰ ਦੀ ਅਦਰਸ ਐਂਡ ਔਨ ਐਵਰੀ ਲੈਵਲ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਐਂਡ ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ ਟਾਮਸਵਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਹੈਡ ਜਸਟ ਸੈਂਡ ਮੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਐਂਡ ਵਿਸ਼ਿੰਗ ਐਵਰੀ ਵਨ ਏ ਕੰਗਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੀਪਿੰਗ ਦਾ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਸ ਫਰੀਡਮ ਟੋਰਚ ਅਲਾਈਵ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰਿੰਗ ਆਲ ਦੋਜ ਪੀਪਲ ਹੂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ। ਗਾਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਐਸ ਏ, ਗਾਡ ਬਲੈਸ ਇੰਡੀਆ, ਗਾਡ ਬਲੈਸ ਆਲ ਦਾ ਫਰੀਡਮ ਲਵਿੰਗ ਪੀਪਲਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਮਾਈ ਸਲਿਊਟ ਟੂ ਐਵਰੀ ਵਨ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਵੈਂਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਈਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਔਰ ਯੂਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੈਰੀਕਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਮੈਰੀਕਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਨੀਸ਼ ਪਿਆਲਾ ਹਿਕਸਵਿਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ।